नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल आईएएस स्टडी माइंड में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे वॉइस से ये आप अंदाज लगा चुके होंगे कि मैं वही सर हूं जो यूजीसी नेट के लिए लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में आप लोगों को रात्रिकालीन 8 बजे लाइव क्लास लेता हूं। हाँ दोस्तों, ये चैनल कोई नया चैनल नहीं है, बल्कि हमने इस चैनल से ही वीडियो अपलोड करना सीखा है, यानी कि वीडियो बनाना भी सीखा है। तो हमको लगा कि क्यों ना इस चैनल को आगे बढ़ाया जाए। जिन्होंने हमने शून्य से लेकर, यानी कि जीरो से लेकर शिखर तक पहुंचाया, उसी चैनल को हम जो है थोड़ा सा उसको सवारें, सजाएं। जरूरी नहीं है कि मोनेटाइज हो ये चैनल, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हम इस चैनल के माध्यम से बैंक पीओ, पीएससी, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस तरह के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कंपटीशन के लिए पाठ्यक्रम सामग्री चाहिए, तो सारा लेक्चर जो है हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे इस चैनल में। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो नोट्स हैं उसका पीडीएफ भी जो है हम इसके माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज दिवाली है और दिवाली के दिन ही हम इसको जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि दिवाली कल है, लेकिन दिवाली का सीजन चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिवाली में एक बेहतर उपहार दिया जाए। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। दोस्तों, यदि आप किसी युद्ध में जीत हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास में सैनिक भी हो, साथ ही साथ हथियार भी हो। धन बल भी चाहिए, साथ ही साथ संसाधन भी चाहिए। तो इसी तरह से यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी एक लड़ाई समझते हैं, उस लड़ाई में आप जीत हासिल करना चाहते हो, तो आपको ये तैयारी करना ही पड़ेगा, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन बनना पड़ेगा। दोस्तों, हम कराएंगे, हम उपलब्ध कराएंगे वो भी स्टडी मटेरियल के साथ में लेक्चर भी, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम पहले जानते हैं कुछ बेसिक नॉलेज को जानते हैं। छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार को जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको शॉर्टकट में WW1 भी कह देते हैं। इसको दूसरा नाम है, दूसरे नाम से भी जानते हैं, द ग्रेट वार। जिस समय यह युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ऐसा महायुद्ध कोई भी सदी में नहीं हुआ था, इस तरह का महायुद्ध। इसको महायुद्ध कहा जाता है। जैसे हम लोग महाभारत पढ़ते हैं तो ये महायुद्ध है। महाभारत के बाद में कोई दूसरा युद्ध इस पृथ्वी पर हुआ हो तो वो है द ग्रेट वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसको ग्लोबल वार भी कहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया जो है इसमें इस लड़ाई में जो है शामिल हो गई थी, इसलिए इसको ग्लोबल वार भी बोलते हैं। और इसको शुरू में द वार टू एंड ऑल वार्स, यानी कि किस आपको जो है हम बता रहे हैं, इसका मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई जो बाकी सभी लड़ाई को खत्म कर देगी, यानी कि एक ऐसी लड़ाई है जो जितने भी लड़ाई हुई है सारे को जो है खत्म कर सकती है। ऐसा द वार टू एंड ऑल वार्स, ये जो वार है सभी वार्स को समाप्त कर देने वाली वार है। हालांकि ये सोचे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, यानी कि दुनिया में और वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो ये कोटेशन जो है हो गया फेल। दूसरा चीज ये जानिएगा, ये कब स्टार्ट हुई थी, कब समाप्त हुई थी, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। 28 जुलाई 1914 को ये फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुई थी और इसका समाप्ति जो है 11 नवंबर 1918 को हुआ था। यदि इसको वर्ष माह दिन में करें तो यह होता है 4 वर्ष 3 माह और 14 दिन तक ये चली थी, युद्ध, महायुद्ध चली थी।
ये भी आप लोग जो है इसको स्मरण में रखिए। अब दूसरी बात देखते हैं, इसमें कैजुअलिटीज जो हुआ था यानी कि मरने वालों की संख्या क्या थी, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। 17 मिलियन डेथ हुए थे यानी कि मृत्यु हुआ था 17 मिलियन। 17 मिलियन से तात्पर्य है 1,70,00,000। 1,70,00,000 डेथ हुए थे जिसमें से 11 मिलियन मिलिट्रियन थे यानी कि सैनिक लोग थे और 6 मिलियन लोग जो है यानी कि 60,00,000 सिविलियन थे यानी कि नागरिक थे और 20 मिलियन जख्मी हुए थे। 20 मिलियन यानी कि 2,00,00,000 लोग जो है जख्मी हुए थे। ये हो गया। तीसरी बातें हम जानेंगे इसमें कौन कौन भाग लिए थे, कितने वर्ग बना हुआ था युद्ध में। सबसे पहला जो वर्ग बना था वो एलाइट पावर था, एलाइट पावर, और दूसरा जो पावर थी वो सेंट्रल पावर्स थी। एलाइट पावर में ये 5 देश, ठीक है, यूआरए जापानी फ्रेंड, इसको हमने ट्रिक बता दिया है, यूआरए जापानी फ्रेंड, यानी कि यू से तात्पर्य यहां पर यूके से है, ठीक है, यू से यूके, यूके मतलब ब्रिटेन। ये ब्रिटेन जो है इसमें मेन रोल थी। दूसरा आर से रसिया, ठीक है, आर से रसिया। ए से अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। जे से जापान और एफ आर से फ्रांस। और यदि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश के नाम बताएंगे तो यहां पर जापान हट जाएगा, इसके जगह में चाइना आ जाएगा। बस यही है, यू आर ए क्लोज फ्रेंड, सी एच सी एल लिख देंगे उसको, सी एच को सी एल लिख देंगे तो क्लोज फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। ये 5 देश जो है एलाइड पावर में थे। दूसरा सेंट्रल पावर में जो थे ऑस्ट्रो हंगेरियन सम्राट, आपको हम मैप के माध्यम से भी बताएंगे। दूसरा जर्मनी और तीसरा ओटोमन सम्राट। ये 3 वर्ग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रो हंगेरियन सम्राट ये जो है यहां पर जो है ये जो पूरा वर्ग है ये एक पहले सम्राट हुआ करता था, शायद आप लोगों को पता होगा, हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी जो थे, ठीक है, ऑस्ट्रो हंगेरियन सम्राट के जो प्रमुख थे हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग का नाम सुने होंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर हैब्सबर्ग, ठीक है, हैब्सबर्ग इसके शासक थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन का मतलब अभी वर्तमान समय में ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 देश हो गए हैं, लेकिन 2 देशों का जो है पूरा समूह जो है वो एक पूरा वर्ग था सम्राट का, ठीक है। दूसरा चीज है जर्मनी, जर्मनी मेन रोल था इनका, जर्मनी एम्पायर था, ठीक है, जर्मनी एम्पायर का पूरा जो है बहुत बड़ा हिस्सा था। और तीसरा जो है ओटोमन सम्राट, ये ओटोमन सम्राट का जो हमने आपको जो है दिखा रहे हैं, ओटोमन सम्राट, ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो ये कलर जो दिखाई दे रहा है आपको हम जो बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको जो है याद कर लीजिएगा। तो ये 3, ये जो आपका जो कलर का है ये रसिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये सब जो है एलाइट पावर के थे, जितने भी दिख रहा है ये एलाइट पावर में थे। और ये दोनों चीजों को जो है आपको समझ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बता रहे हैं जर्मनी के अंतर्गत भी बहुत सारे थे, जर्मनी के अंतर्गत भी इस तरह से कॉलोनिया उसका हुआ करता था, अफ्रीकी कॉलोनी, कैमरून, तंजानिया, ये सब जर्मनी की कॉलोनी थी। तंजानिया भी जो है, तंजानिया भी एक, इटली भी था, इटली, ये इटली पहले जो है इसी समूह में थे, यानी कि ये सेंट्रल अलायंस में थे, सेंट्रल पावर्स में थे, बाद में जो है वो इस तरफ चले गए, ठीक है, एलाइड पावर्स में चले गए। इटली एक ऐसा देश था जो पहले इस तरफ हुआ करता था, यानी कि इस तरफ था पहले, पहले की बात कर रहे हैं, ये पहले की बात कर रहे हैं, और ये फिर बाद में, ये बाद में इस तरफ जुड़ गए फ्रांस की तरफ यानी कि ब्रिटेन की तरफ जुड़ गए, ठीक है। तो इसको आपको जो है दिमाग में रखना है, इटली के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा युद्ध के क्या क्या कारण हो सकते हैं। युद्ध के सबसे पहला कारण है दोस्तों, यहां पर जो है यदि आप इसको जो है समझेंगे
एम, ये जो मैन होता है एम आई ए, ठीक है एन, ये मैन होता है ना मैन, ये मिलिट्री, मिलिट्री से, ये मिलिट्री, ठीक है, और ये अलायंस सिस्टम, ठीक है, मैन 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 मैन, इसको पहले ए लिख दीजिए, एम ए आई एन, मैन होता है ना मैन, ठीक है, इसको यहां पर लिख दीजिए मैन, यहां पर अलायंस, ठीक है, अलायंस सिस्टम, अलायंस सिस्टम, और यहां पर जो है आई है एम्पेरियल सिस्टम, एम्पेरियल, ठीक है, और यहां पर नेशनलाइज्म, ठीक है, नेशनलाइज्म, ये चार चीजें इसके मुख्य कारण थे, मुख्य कारण यदि कोई क्वेश्चन पूछे तो ये चार कारण को जो है आपको बताना है, मिलिट्री, अलायंस सिस्टम, और फिर इंपेरियल और नेशनलिज्म, ठीक है, ये चार कारण था, मुख्य कारण जो है, यानी कि मिलिट्री से तात्पर्य यहां पर सैनिक शक्ति, हथियारों की रेस थी, ठीक है, हथियारों की रेस, मशीन गन की शुरुआत पहली बार हुई यहां पर, प्रथम बार इसका प्रयोग हुआ, टैंक का प्रयोग प्रथम बार जो है ब्रिटेन के द्वारा किया गया, बहुत ज्यादा संख्या में नए पोत जहाज यहां पर का निर्माण हुआ, उसके बाद में सैनिकों की तादाद, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जो है दो भागों में बांट दिया गया था, जिसमें से सैनिकों की तादाद जो है बहुत ज्यादा हुई, ब्रिटेन जर्मनी के बीच में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बढ़ा, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ा, सैनिक सामग्री का निर्माण हुआ, ये जो है सैनिक शक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा, यहां पर हम आपको बता रहे हैं जो ये ट्रिपल अलायंस के बारे में, ट्रिपल अलायंस के बारे में भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे, इसकी स्थापना अलायंस जो हुई थी 1882 में हुई थी, और इसमें से जर्मनी थे, जर्मनी, और उसके बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है, हंगरी, और इसके बाद में आप इटली को भी जोड़ सकते हो, उसके बाद में हम लोग जो है ट्रिपल यहां पर जो है अंटांट, ट्रिपल अंटांट, ठीक है, ट्रिपल अंटांट में यहां पर तीन देश थे, फ्रांस, फ्रांस रसिया, ठीक है, फ्रांस रसिया ब्रिटेन, ठीक है, रसिया और ब्रिटेन, ये तीन देश जो थे ये ट्रिपल एंटेंट थे, तो आपको जो है यहां पर दे दिया हुआ है ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटेंट, ये दो चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो हर एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिलेगा ही, ये जो जितना भी चीजें बताया हूं हर एग्जामिनेशन में यही प्रश्न पूछा जाता है, ट्रिपल अलायंस में की स्थापना कब हुई थी, ट्रिपल एंटेंट की स्थापना कब हुई थी 1907 में, ठीक है, इसको भी हम लोग जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 1907 में हुई थी, ठीक है, 1907 में, बाद में आए थे अमेरिका, ठीक है, बाद में आए थे अमेरिका, अमेरिका जो है बाद में जुड़ा, और ये तीन देश जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोगों को समझना है, 1904 में तो ट्रीटिस हो गया था, ब्रिटेन और रशिया के बीच में पहला ट्रीटिस हुआ था, एंटेंट कॉरिडोर जो है, ठीक है, ये तो 1900, आप इसको यदि चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, एक घंटा चला जाएगा, लेकिन हमने जो है जितना महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको बताने की कोशिश किया है, और आप सभी को हम, मैं जो है मेरे तरफ से जो है हमारे चैनल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बढ़िया सा त्यौहार मनाइए, खुशियों का त्यौहार है, मिठाई खाइए और दूसरे को खिलाइए, और खुशी से तात्पर्य है दूसरे के चेहरे में भी खुशी लाइएगा, थैंक यू।